एक्सपीरियंस्ड मदर, कितनी चीजें उसके साथ हुई है, कितनी चीजें अब मैं समझने लगी हूँ. लाइक मैं एक ग्रुप पे हूँ, हम सारी न्यू मम्मीज के एक ग्रुप पे. तो कल ही एक न्यू मम्मी बहुत परेशान हो रही थी कि उनकी 9 वीक्स की रात में लेट नाइट उनका मैसेज आया था कि ग्रुप पे कि उनकी एक उनकी 9 वीक्स की बेबी है जो फीड, शी इज़ वेरी हंग्री लेकिन फीड नहीं ले पा रही है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है. आई थिंक मैंने ये आप लोगों के साथ पहले शेयर किया है, बट यू नो इट्स सच अ सिंपल थिंग. तो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैं किसी की हेल्प कर पाई. तो वो कुछ नहीं होता है, सिर्फ बेबी का नोज ब्लॉक होता है, तो यू हैव टू कीप द बेबी अपराइट एंड यूज अ सलाइन, क्या कहते हैं, स्प्रे, कि उनका नोज जो है वो खुल जाए और उसके बाद उनका नाक साफ कर लें. नाक साफ करने का एक तरीका मैंने आपसे पहले शेयर किया हुआ है, एक नहीं किया है एक्चुअली, वो मुझे आप में से किसी एक ने ही बताया है, मेरी एक यूट्यूब की फैमिली के किसी ने बताया है एंड वो बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. वो है ये. सो ये आपको बेबी के नोज पे लगाना होता है एंड यहाँ से आप सकआउट कर सकते हो और यहाँ पे ये फिल्टर लगा हुआ है, सो इट्स वेरी गुड. ये यूज करने से पहले आप नेजल स्प्रे डाल लेते हो, वो भी इसके साथ ही आता है. सो इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल. एंड मुझे ना डॉक्टर उग्रा और डॉक्टर अमित जगताप दोनों ने बोला था कि बेबीज का नोज ब्लॉक इज नॉट अ साइन दैट दे हैव कोल्ड. जब वो ग्रोथ स्पर्ट में होते हैं या बहुत सारी चीजें होती हैं तो उस वजह से जब वो ज्यादा मिल्क पीते हैं तो उनको रिफ्लक्स होता है, यानी कि खाना वापस आता है. हम जिसे एसिड रिफ्लक्स भी बोलते हैं, वो होता है. तो उस वजह से भी, बिकॉज दे आर एयरवे सो टाइनी, उस वजह से भी उनका नोज हमेशा, वो नोज हमेशा ब्लॉक रहता है. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई योर बेबी माइट हैव अ नोज ब्लॉक. सो इफ फॉर सम रीजन आपका बेबी बहुत ज्यादा हंग्री है, आपको ऐसा फील हो रहा है, यू नो कि काफी समय से उसने दूध नहीं पिया है और बेबी लैच करने की कोशिश कर रहा है लेकिन लैच नहीं हो पा रहा है एंड वो रो रहा है, बेहाल हो रहा है, तो इट कुड बी अ पॉसिबल रीजन दैट इट इज अ नोज ब्लॉक एंड इसी वजह से वो लैच नहीं कर पा रहा है. तो ऐसे में आपको इमिडिएटली क्या करना है, उसको थोड़ा सा बिठा के, थोड़ा अपराइट करके जो है बेबी को फीड करना है, तो बेबी एटलीस्ट फीड ले पाएगा. एंड अगर आपके पास सलाइन स्प्रे है तो आप तुरंत डाल लीजिए. इनफैक्ट विद अ बेबी इन द हाउस प्लीज कीप अ सलाइन स्प्रे एंड दिस नॉट सकर एट हैंड, इट इज वेरी 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 हेल्पफुल. सो यू नो कल जब मैंने उनको ऐसे रात को 2:30 बजे जब मैंने मैसेज किया और मैंने हेल्प किया और उनका रिप्लाई आया ओके थैंक्स आई विल ट्राई, फिर थोड़ी देर बाद उनका रिप्लाई आया कि हाँ येस शी डज हैव अ नोज ब्लॉक, तो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि येस नाउ अब मैं नॉट अलॉट बट हाँ अभी थोड़ा थोड़ा मुझे बेबीज के बारे में चीजें पता लगने लगी हैं 5 मंथ्स में ही. सो I can help somebody now. So on this note, मैं वीडियो एंड कर रही हूँ. लेकिन हाँ, वीडियो एंड करने से पहले मुझे आप सबको दिल से थैंक यू बोलना है बिकॉज सो मैनी ऑफ यू हैव वोटेड फॉर शोएब एंड क्योंकि आप लोगों के DMs आए हैं, आप लोगों ने स्टोरीज डाली हैं, आपने मैसेजेस किए हैं कि हाँ हमने वोट कर दिया, हमने वोट, कितने लोगों ने स्नैपशॉट्स डाले हैं, जितनों का मैं शेयर कर पाई मैंने किया. एंड आप लोगों को पता है मैं Instagram पे वैसे ही बहुत पुअर रहती हूँ, बट मुझे जितने दिखते रहे मैं उनको शेयर करती रही, अगर मिस हो गया हो तो सॉरी, बट मैंने आप लोगों को ये वोट अपील दी थी और अब मैं हर सैटरडे जो है